हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। डूबता हुआ सूरज, हरे भरे पेड़ और सामने लगी हुई मेरे पिटूनिया के पौधे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इतने सारे रंग एक साथ देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। रंग तो हम सभी को पसंद हैं और प्रकृति के रंग और भी ज़्यादा। कुछ फ़ोटोज़ मैंने शाम के लिए और कुछ सुबह के, इसमें आसमान बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है और पौधों का और फूलों का रंग अलग ही दिखाई देता है। जब मैंने ये पिटूनिया के पौधे खरीदे थे तो काफ़ी सारे एक साथ खरीद लिए, क्योंकि लगाते समय कुछ ख़राब हो जाते हैं और कुछ बाद में भी। मुझे लगा था कि काफ़ी सारे रंग मुझे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि तब इसमें फूल खिले हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी सिर्फ मैंने पौधे की पत्तियों को देखकर अलग अलग तरह के पौधे लिए थे। कुछ खिले हुए भी थे और कुछ बिना खिले हुए भी, लेकिन काफ़ी सारे रंग मुझे मिल गए हैं और लाइन से जो हमने इन्हें लगाया है वो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, इसलिए फूल यहाँ पे बहुत सारे नहीं खिलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे शौक़ है तो मैं कोशिश करती रहती हूँ। जो पॉट हमने लिए हैं ये प्लास्टिक के हैं और यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है, बार बार इसमें पानी का स्प्रे देते रहना पड़ता है। जो पॉटिंग सॉइल मैंने लिया था वो आप सभी के साथ शेयर किया था। काफ़ी हल्की पॉटिंग सॉइल लेने से उसमें पानी जो है वो देर तक रुका रहता है और गमले उठाने में भी हल्के रहते हैं। पानी जब डालोगे तो मिट्टी जल्दी से पानी खींच ले, इस तरह की सॉइल हमें मिक्स करके बनानी चाहिए। इसके बाद जो कलर हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इतने सारे रंग हैं। गुलाबी के 3-4 शेड्स हैं और शेड वाला पिटूनिया, फिर ये स्टार पिटूनिया, हल्का गुलाबी, गाढ़ा गुलाबी, रानी कलर, ये सारे ही रंग मुझे मिल गए हैं। ये लाल वाला है जिसको कि स्टार पिटूनिया कहते हैं और ये एकदम लाल। इतने सारे पौधे मैंने लिए थे कि लगाने के लिए पॉट कम पड़ गए थे, फिर भी मैंने कुछ टोकरी में लगा दिए। ये डार्क बैगनी जैसा है लेकिन उसमें नीला शेड है, मुझे काफ़ी पसंद है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये सफ़ेद रंग का, ये तो अंदर इसके हल्का सा हरे रंग का शेड है जो कि देखने में और भी अच्छा लगता है। सफ़ेद रंग के बहुत सारे खिल के गमले के बाहर लटक जाते हैं तो देखने में और भी सुंदर लगते हैं। कुछ फ़ोटो मैंने पास से लेने की कोशिश की है, इसमें फूल आप सबको अच्छी तरह से दिखाई दे रहे होंगे। बीच बीच में काफ़ी बार हमें पेस्टिसाइड का और फंगिसाइड का स्प्रे करते रहना पड़ता है, क्योंकि पिटूनिया में फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो फंगस लगने का डर है और कम पानी डालेंगे तो फूल सूखने का डर होता है, पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है। पौधा सूखने न पाए इसके लिए एक बार सुबह और एक बार शाम को मैं पानी का स्प्रे कर देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कम हो जाता है पानी तो कलियाँ ही सूखी सूखी दिखाई देने लगती हैं और पौधा जो है वो बहुत सारे ब्रांच अगर निकाल देता है तभी अच्छा दिखता है। शुरू में मैंने कुछ यूरिया डाली थी, 2-4 दाने, और बाद में खाद। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है